गंगा की धारा जहां जहां तक प्रवाहित हो रही है और जहां से निकल करके हिमालय से लेकर के गंगा और गंगा सागर तक पहुंची है, जहां जहां तक गंगा का प्रभाव है वहां वहां तक गंगेश्वर नाथ भगवान का प्रभाव है। तो मैं मानता हूं कि गंगा का प्रभाव सर्वत्र है। आप कहोगे नहीं महाराज, गंगा का प्रभाव, भगवान शिव के पास दो गंगा हैं, एक तो रामकथा रूपी गंगा, एक हिमालय से निकलने वाली गंगा। बोलो दो है ना, तो याद रखना वो हिमालय से निकलने वाली गंगा तो सुनिश्चित जगह से संबंधित है, लेकिन राम कथा रूपी गंगा तो घर घर में है, इसलिए घर घर में गंगेश्वर नाथ का प्रभाव है कि नहीं, ये मानना पड़ेगा आपको। घर घर में, जहां जहां घर घर में राम कथा है वहां वहां गंगेश्वर नाथ भगवान का प्रभाव है, सर्वत्र इनका प्रभाव है, साधारण नहीं है। हम सबको ये महसूस करना चाहिए। तो परशुराम जी महाराज जब गए तो गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात किए। देखो भगवान भी गुरु का सम्मान करता है। बोलो करता है कि नहीं करता। कल भी मैंने गुरु की महिमा बताई थी। भगवान साष्टांग प्रणिपात कर रहे, परशुराम जी भगवान शिव के चरण गुरु बनाया है, साष्टांग पड़े हुए। परशुराम जी ने जैसे ही प्रणाम किया तो भगवान शिव के नेत्र सजल हो गए। भगवान शंकर कहने लगे कि तुम्हारे जैसे शिष्य को प्राप्त करके मैं गौरवान्वित हो गया हूं, तुम्हारे जैसा विद्वान, तुम्हारे जैसा बलवान, तुम्हारे जैसा कीर्तिमान मेरा कोई दूसरा शिष्य नहीं है। तब तक रावण आ गया, बोले हम इनसे क्या कम है। भाई रावण भी अपने को विद्वान मानता है, रावण भी अपने को बलवान मानता है। अच्छा चेला वो भी है, लेकिन क्या बताएं, चेला तो है लेकिन शिव जी को नालायक चेला मिला है। नहीं, नालायक का मतलब जो किसी काम का ना हो, ये अर्थ होता है। चेला तो है रावण लेकिन किसी काम का नहीं है। एक बार हमने यही काम निकाल, चेला तो मिला शिव जी को रावण जैसा, लेकिन शिव जी कह रहे नालायक चेला है किसी काम का नहीं। बोले महाराज रावण अभी आपके सामने आ जाए तो आप नालायक कह सकते हो शिव। हमने कहा हम उसे नहीं कहेंगे लेकिन तुम्हें तो नालायक कह ही सकते हैं कि तुम इतने बड़े नालायक हो, कितनी लंबी बात सोच रहे हो। अरे रावण आएगा ही क्यों, क्यों आएगा क्यों, हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे कि रावण मेरे पास आ जाए। मेरे पास जब भी आएंगे तब राम जी आएंगे, रावण आएगा, लेकिन तुम जरूर नालायक हो, हम तुम्हें जरूर कहते हैं तुम नालायक। इस तरह की बात कर रहे हो, बिना सोची समझी बात कर रहे हो। सावधान, रावण ने कहा कि मैं विद्वान हूं, मैं बलवान भी हूं, कीर्तिवान, मेरी कीर्ति कौन नहीं जानता है। पार्वती जी ने कहा ऐसे चेले मत बनाया करो, सोच समझ के चेले बनाया करो, दीक्षा दिया करो सोच समझ के दिया करो। देखो एक शिष्य यह है परशुराम जो साक्षात भगवान है लेकिन हाथ जोड़े खड़ा हुआ है। आप बोल रहे हैं, गुरु बोल रहा है, शिष्य का धर्म है कि गुरु बोले तो उसे मौन रहना चाहिए। क्यों भाई, शिष्य का यही धर्म ना, गुरु बोले तो मौन रहना चाहिए। आज आप जगत गुरु को सुन रहे हैं तो मौन होकर के ही तो सुन रहे हैं। अगर आप बोलने लग जाएंगे तो हम बोल पाएंगे, कभी नहीं बोल पाएंगे, परंपरा यही है, मौन होकर के। ये है शिष्य, जबकि भगवान के रूप में इनका अवतार हुआ है। परशुराम जी का भगवान के रूप में अवतार हुआ है, लेकिन देखो ये बोलने नहीं दे रहा आपको, ऐसा बोल रहा।
भगवान शंकर ने कहा पार्वती ये भी प्रारब्ध है मेरा, ये भी प्रारब्ध है। प्रारब्ध से मिल गया कोई बात नहीं, मिल गया तो मिल गया, निर्वाहेंगे निर्वाहेंगे। भगवान परशुराम जी ने कहा गुरुदेव बस दर्शन का उद्देश्य लेकर के आया था, मुझे दर्शन मिल गया, अब आप आदेश करें कि मैं जाऊं। का नहीं, आज तुम जो मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। परशुराम क्या चाहिए? परशुराम जी ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आप बस कृपा करते रहें और आपका दर्शन बार बार होता रहे, बस यही चाहता हूं और कुछ नहीं, आपका दर्शन बार बार होता रहे। अरे दर्शन तो बार बार होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन बदले में कुछ मांग लो, क्या चाहिए? परशुराम जी ने कहा कुछ नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं चाहिए, आपने सब कुछ दे दिया है, अब मुझे क्या चाहिए? कहे नहीं, फिर भी परशुराम जी ने कहा कि गुरुदेव के दर्शन का फल होता है भगवत प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। गुरुदेव के दर्शन हो जाएं, गुरुदेव की वाणी सुनने को मिल जाए तो इससे निश्चित है कि हमें भगवान का दर्शन होगा। तो याद रखना परशुराम जी भगवान हैं और राम जी से पहले उनका अवतार हुआ है, इसलिए वरिष्ठ अवतार है, लेकिन भगवान शिव राम जी को अपना गुरु मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं भैया, बोलो, इस बात को मान रहे हो? मानते हैं गुरु। तो परशुराम जी के संबंध में गुरु के भी गुरु हुए राम जी, को भाई हुए कि नहीं हुए? और इसी नाते से भगवान परशुराम ने जनकपुर में जब पहचान लिया ठीक से तो स्तुति की। स्तुति छोटे की जाती है कि बड़े की जाती है? बोलो, कहे जय 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 रघुकुल केतु, और प्रणाम करके गए परशुराम जी। बोलो गए कि नहीं गए? देखो भगवान किसी जाति का नहीं होता, ये तो हम लोगों ने जाति में बांध दिया उसे। क्यों भैया? भगवान किसी जाति का नहीं होता है, जिस जाति का भक्त बुला लेता है भगवान उसी जाति का हो जाता है, व्यक्ति या दूसरी कोई जाति नहीं। जिस जाति का भक्त बोलो, रैदास ने बुलाया कि नहीं बुलाया? बुलाया तो भगवान रैदास के हो गए, इधर मीरा ने बुलाया तो मीरा के हो गए, उधर कबीर ने बुलाया तो कबीर के हो गए, उधर नामदेव जी ने बुलाया नामदेव जी के हो गए, तुकाराम जी ने बुलाया तुकाराम के हो गए, इधर तुलसी ने बुलाया तो तुलसी के भगवान हो गए। भगवान को जो बुलाता है भगवान उसके हो जाते हैं। सदन कसाई ने बुलाया, भगवान सदन कसाई के हो गए। बोलो नंदा नाई ने बुलाया, भगवान नंदा नाई के हो गए कि नहीं हो गए? सोचो जरा। इसलिए इसमें ये मत सोचना कि भृगुवंशी हैं परशुराम और रघुवंशी हैं राम, एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है दूसरा क्षत्रिय कुल में, ये तो हम लोगों की मान्यता हो सकती है प्यारी, कि हम लोगों ने भगवान को जाति में बांध लिया है। भगवान जाति बंधन में नहीं बंधता है, भगवान तो प्रेम के बंधन में बंधता है, इसलिए भगवान को प्रेम के बंधन में बांधो। कौन से बंधन में? प्रेम के बंधन में बांधो। मानव में जातियां हो सकती हैं लेकिन भगवान में कोई जातियां नहीं हो सकती हैं। बिल्कुल हमारी बात को कोई अन्यथा ना ले कि महाराज जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है तुम्हारी श्रद्धा है कि तुमने भगवान को अपने से जोड़ लिया, वो भी स्वागत है, लेकिन वस्तुतः विचार किया जाए तो भगवान, अच्छा गंगेश्वरनाथ जी किस जाति के हैं जरा बता दो। बता सकता है कोई माई का लाल? अरे
हम लोगों को तो भगवान के प्रति समर्पण करना चाहिए। भगवान भक्त का है, भगवान व्यक्ति का नहीं है। भगवान व्यक्ति का नहीं है, भगवान भक्त का है। और याद रखना, भक्त व्यक्ति नहीं होता है, भक्त एक व्यक्तित्व होता है। इसलिए हम व्यक्ति ना रहे, भक्त बन करके अपना व्यक्तित्व बना ले, ये हमारा परम धर्म है। व्यक्ति तो संसार में आते जाते रहते हैं, हैं? सभी जाते हैं, भगवान भी गए, स्वधाम गमन लीला उनकी हुई। भगवान की जन्म लीला से लेकर के अंतिम जो लीला हुई है वो स्वधाम गमन लीला हुई है। लेकिन याद रखना, जाने वाले क्रम को तो भगवान ने भी स्वीकार किया है, लेकिन सत्य बोलो, आज हम ये कहते हैं कि हमारे बीच से भगवान गए, यही कहते हैं हमारे पास भगवान हैं। बोलो, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्योंकि उनकी कीर्ति आज भी अमरता का संदेश दे रही है। दे रही है कि नहीं दे रही है? व्यक्ति मर जाता है, लेकिन व्यक्तित्व तो कभी मरता नहीं है, व्यक्तित्व तो अमर होता है। तो आज परशुराम जी कहते हैं कि गुरुदेव भगवान का दर्शन और गुरु की वाणी का जो लाभ है, उसकी जो फलश्रुति है, वो है भगवान का दर्शन। तो भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें भगवान मिलेगा, तो कैसे मिलेगा? कहा इसके लिए मैं ये धनुष दे रहा हूं, लो ये धनुष। ये धनुष तुम्हें संकेत देगा कि ये भगवान है। धनुष क्या देगा? संकेत, ये भगवान है। इसका प्रयोग युद्ध में मत करना, ये युद्ध की भूमि पर प्रयोग के लिए नहीं है, ये तो भाव की भूमि पर इसका प्रयोग होगा। और बोलो, मिथिला युद्ध की भूमि है कि भाव की भूमि है? भाव की भूमि है। मिथिला युद्ध की भूमि नहीं है, मिथिला है भाव की भूमि। क्योंकि भाव बस भगवान सुख निधान करुणायन तज ममता मदमा का त्याग तुम्हें करना पड़ेगा, तब भगवान भाव की भूमि पर प्रकट होगा। तो मिथिला भाव की भूमि पर है, इसलिए भाव की भूमि पर ही इसका प्रयोग होगा। और ये धनुष अपने आप भगवान के पास पहुंच जाएगा, समझ लेना कि ये भगवान। और बोलो, यही हुआ था मिथिला में कि नहीं हुआ था? आप लोग प्रसंग सुनते हो, कथा सुनते हो, यही तो हुआ था। आप जैसे बुद्धिजीवियों के बीच में मेरा मन होता है कथा सुनाने का, जाओ इस धनुष को ले जाओ, ये तुम्हें भगवान से मिलाएगा। क्योंकि भगवान शिव के अगर भगवान है दुनिया में, तो राम है, राम के अलावा और कोई नहीं, बिल्कुल सत्य है। और यदि राम के भगवान कोई है, तो प्यारे वो है भगवान शंकर। सत्य तो यही है, समझ गए हो? परशुराम जी ने उस धनुष को प्रणाम किया और ले लिया, चल दिया। रावण बोला, मेरे लिए भी आशीर्वाद बचा है कि पूरा बड़े चेला को दे दिया परशुराम को, हमारे लिए भी है, हमको भी दो, हम भी तो हैं चेले, हमें भी तो चाहिए आशीर्वाद। शंकर जी ने कहा, हाँ मिलेगा, तुझे भी आशीर्वाद मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा।
हमको नहीं मानते हो चेला? अरे क्यों नहीं मानता? देखो जगत में मुझे कौन नहीं जानता है? और राम जी बोले, वो शंकर जी बोले, हाँ जानता है, जानता, जगत तुझे जानता है, लेकिन अंतर है परशुराम में तुझ में, वो विख्यात है तू कुख्यात है, बस इतना ही तो अंतर है। क्यों भाई? परशुराम क्या है? विख्यात है वो, तू कुख्यात है, बस इतना ही अंतर है, और ज्यादा अंतर नहीं है। रावण कहता है हमें भी आशीर्वाद चाहिए। शंकर जी ने कहा आशीर्वाद आशीर्वाद का ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें भी कुछ दो, आज तो आप दे रहे हो ना, देखो अभी परशुराम जी को आपने दिया ना धनुष दिया, मुझे भी चाहिए आशीर्वाद। अच्छा मेरा त्रिशूल, त्रिशूल नहीं चाहिए हमें, त्रिशूल आप अपने पास रखो, जो परशुराम जी को धनुष दिया है वैसा ही धनुष मुझे भी चाहिए, धनुष ही चाहिए मुझे, मुझे त्रिशूल नहीं चाहिए। अरे त्रिशूल भी तो शस्त्र है, ये शस्त्र नहीं है क्या? शस्त्र तो है, हमें ये शस्त्र नहीं चाहिए, हमें चाहिए धनुष। शंकर जी ने कहा अच्छा जिद पड़ गया तू, कहा सुन मेरे धनुष को धारण करने की क्षमता सब में नहीं है, मेरे धनुष को परशुराम ही धारण कर सकता है, रावण तू धारण नहीं कर सकता है। रावण बोला इसका मतलब है कि मुझ में शक्ति नहीं है? हाँ मेरे धनुष को धारण करने की शक्ति तुझ में नहीं है, नहीं है। रावण बोला धनुष आपके पास है? शंकर जी बोले हाँ। और आप किस पर बैठे हैं? कैलाश पे। रावण बोलो देखो हम शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। रावण ने हाथ कैलाश पर्वत के नीचे लगाए और जैसे उखाड़ा तो कैलाश पर्वत ही उखड़ गया। पार्वती की बोली फाउंडेशन ही हला दिया मकान का, इसने दे दो इसको खुरापाती चिल्ला जो देना हो जल्दी भगाओ, कैसा केला है, इसने तो मकान ही हमारा हिला दिया पूरा। कौतुक ही कैलाश पुन लीनस जाए उठाए, बोलो कैलाश को उठाने की क्षमता है कि नहीं? और कैलाश पे बैठे कौन है? शंकर जी। और शंकर जी लिए क्या है? धनुष त्रिशूल। कहते को ताकत है कि नहीं? कहते ताकत नहीं है, ताकत नहीं है। अरे परशुराम तो केवल धनुष ही को धारण कर सकते, हम तो धनुष के सहज शिव और कैलाश और पार्वती के सहज, देखो ताकत है कि नहीं, देखो मेरी भुजाओं में कितनी ताकत। याद रखना शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कभी, और शक्ति का दुरुपयोग प्यारे उसी समय होता है जब हम शक्ति प्रदर्शन अपने माता पिता गुरु अपने से बड़ों के सामने करने लगते हैं, तो शक्ति का दुरुपयोग हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? शक्ति का अगर प्रदर्शन करना है देश के नौजवानों तो पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर करो, माता पिता गुरु बुजुर्ग बूढ़े अपने से बड़े इन पर शक्ति का प्रदर्शन मत करो। और आज यही तो विडंबना है, आज का नौजवान भूल चुका है, भटक चुका है, माँ बाप के सामने शक्ति का प्रदर्शन करता है, बूढ़ों के सामने शक्ति का प्रदर्शन करता है, करता है कि नहीं? ये भटका हुआ नौजवानी का स्वरूप है, ये भटकी हुई नौजवानी है, दुरुपयोग हो रहा है नौजवानी का, व्यर्थ में बल को मत गमाओ। रावण ने बल का दुरुपयोग किया है, देखें आप, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्प ज्ञान जीत ले आवा, पुष्प ज्ञान जीत ले आवा। कुबेर का पुष्पक विमान बलपूर्वक ले आया,
बोलो ये डकैती है कि नहीं? इसको क्या कहते हैं आज की भाषा में? डकैती। ये बल का सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? ये दुरुपयोग है। और सुनो, दुरुपयोग कहां कहां? देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनार। बोलो ये बल का दुरुपयोग है कि नहीं? देव यक्ष कन्याओं को बलपूर्वक ले आया, ये है बल का दुरुपयोग, शक्ति का दुरुपयोग। ये रावण के पास देखने को मिल रहा है कि बल का दुरुपयोग क्या होता है, शक्ति का दुरुपयोग क्या होता है। रावण मत बनो, अगर बल मिल गया है तुम्हें तो बल का सदुपयोग करो। बहन बेटियों की रक्षा करने में अपने बल को समर्पित कर दो, भारत माता की रक्षा करने में अपने बल को समर्पित कर दो। यह है बल की सार्थकता। मैं उन नौ निहालों को प्रणाम करता हूं, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को। मैं आचार्य गद्दी पर बैठा हूं लेकिन वो प्रणम्य है मेरी दृष्टि में। क्या हुआ भले ही मैं जगत गुरु हूं, क्या हूं इससे क्या होता है जी? आज उनकी बदौलत हम सुरक्षित बैठे हुए हैं, आज सिंहासन पर भी बैठे हैं तो उन्हीं की बदौलत बैठे हुए हैं, आज हम जिंदा बैठे हैं उन्हीं की बदौलत बैठे हुए हैं, आज हमारी कामत की पीठ भी सुरक्षित है तो उन कुर्बानी देने वाले नौनिहालों के द्वारा ही सुरक्षित है। गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इतिहास प्रमाण है, कौन नहीं जानता है। आज इस राजनीति ने सिखों को हमसे दूर कर दिया है, इस गंदी राजनीति ने दूर किया है। प्यारे सिख तो हमारे भाई हैं और बहुत बड़े हितैषी हैं हमारे। सिखों के गुरु नानक जी बहुत बड़े राम नाम जापक थे, बोलो थे कि नहीं? गुरुवाणी को जरा सुनना, ध्यान से पढ़ना और सुनना, राम नाम की बहुत बड़ी महिमा है। आज भिंडरवाला जैसे सिखों ने जो हिंदुस्तान को काटना छाटना बांटना चाहता था, भिंडरवाला, उस आतंकवादी ने, देशद्रोही ने खालिस्तान की मांग की थी, की थी कि नहीं की थी? और स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था। केवल कि एक देश हमारा हो जाएगा तो हम उसके प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, बोलो भाई, पद लेने के लिए, केवल पद लेने के लिए हम ही तो माने जाएंगे, हम ही तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। खालिस्तान बनेगा तो खालिस्तान का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? उसने सोचा, भंडर वाले ने सोचा, मैं बनूंगा। प्यारे मंदिर को तोड़ना पड़ा, सिख भाइयों को अलग करना पड़ा, अलग हुए ऐसी कंडीशन में, बोलो हुए कि नहीं हुए? और निर्दोष हजारों सिख भी मारे गए थे। जब इंदिरा गांधी मारी गई थी, निर्दोष हजारों सिख मारे गए थे, और भिंडर वाले का जो ऑपरेशन किया था उस समय भी सैकड़ों की संख्या में सिख भाई मारे गए थे। ये राजनीति गंदी जो हमारे देश को छांटना चाहती है, बांटना चाहती है, ऐसे नेताओं को मैं धिक्कारता हूं कि तुम जातिवाद के नाम पर देश को बांटना चाहते हो, तुम वर्गवाद के नाम पर देश को बांटना चाहते हो, तुम क्षेत्रवाद के नाम पर देश को बांटना चाहते हो। मैं कहता हूं तुम ना जातिवाद के नाम पर बांट पाओगे, ना वर्गवाद के नाम पर बांट पाओगे, ना क्षेत्रवाद के नाम पर देश को बांट पाओगे। क्यों? ये
देश संतों के आशीर्वाद से चल रहा है, भगवान की कृपा से चल रहा है। आशीर्वाद के आगे कोई बाद काम करने वाला नहीं, कोई बाद काम नहीं कर पाएगा, सारे बाद फेल हो जाएंगे। आशीर्वाद है। मैं गुरु गोविंद सिंह को प्रणाम करता हूं और गुरु गोविंद सिंह के वो दोनों बेटे जोरावर सिंह फतेह सिंह जिंदा दीवाल में चुन गए। प्राण किसको अच्छे नहीं।